नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। सपा नगर अध्यक्ष मुस्ते हसन ने कहा, रमजान में शराब बिक्री पर लगे रोक, सरकार सभी धर्मों की आस्था का करे सम्मान। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने अपने बयान में कहा कि नवरात्र में मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है, तो रमजान के दौरान शराब पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर आप नवरात्र में प्याज या मांस नहीं खाते तो दूसरों को क्यों रोकते, क्या यही लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक अधिकार और भावनाओं के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मुस्त हसन ने कहा कि सरकार एक तरफ नवरात्रि के चलते मांस की बिक्री पर रोक लगा रही है, तो ऐसे में सरकार को रमजान में शराब की दुकानों को भी बंद करवाना चाहिए। सरकार को सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सीबू सैनी की रिपोर्ट। एक सरकार की तरफ से बयान आया है कि नवदुर्गा में मीट नहीं बिकेगा। वहीं एक कांग्रेस के नेता का भी बयान आया है कि रमजान में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? रमजान के महीने में जिस तरह से गोश्त पर पाबंदी लगाई गई है, हमारी मांग ये है कि शराब और जितने भी नशा युक्त चीज़ें हैं उन सब पर पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मस्जिद और मंदिरों की एक निश्चित दूरी पर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, गोश्त की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन त्यौहार को देखते हुए अगर उन्हें सरकार को ज़रूरी लगा कि ये बंद की जाए तो कन्नौज में अजय पाल मोहल्ले में शराब ठेके के बिल्कुल 5 मीटर की दूरी पर मंदिर बना है, वहाँ शराब का ठेका खुला हुआ है, उस पर शासन प्रशासन भी ध्यान दे। और ऐसे धार्मिक उन्माद जहाँ के ऊपर लोगों की आस्था जुड़ी हो और वहाँ के ऊपर उन आस्थाओं को बिगाड़ने के लिए चाहे गोश्त की दुकान हो, चाहे शराब की दुकान हो या अन्य कोई भी दुकान हो, इन सबको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सरकार ने गाइडलाइन जारी की नवदुर्गा में मीट नहीं बिकेगा। एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बयान दिया कि रमजान में शराब पर रोक लगाई जाए, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? उनका बिल्कुल सही, उन्होंने जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। मैं कांग्रेस नेता का जो है स्वागत करता हूँ इस बात का। और रहा सवाल शराब का, तो शराब जो है हमेशा के लिए उस पर बैन लगाए सरकार। शराब से क्या नुकसान है आप बता दीजिए? शराब से नुकसान ये है कि जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब, और उसमें पैसे की भी बर्बादी है और घर गृहस्थी लोग तबाह हो जाते हैं। किसी का पैसा नहीं है तो अपनी बीवी से पैसा छीन लेता है वो शराब के लिए। तो शराब पर तो जो हमेशा के लिए पाबंदी लगाना चाहिए सरकार को। आपका कहने मतलब रमजान के अलावा? रमजान के अलावा और भी महीनों में भी पाबंदी लगाना चाहिए सरकार को। सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की कि नवदुर्गा में मांस नहीं बिकेगा। वहीं एक कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है कि रमजान पर शराब प्रतिबंध रहेगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के नेता ने दिया है वो तो बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। सारे दल के नेताओं को ये बयान देना चाहिए कि शराब आजीवन बंद होना चाहिए। इसलिए बंद होना चाहिए कि इस शराब से मर्डर होते हैं, बीवी को मारा जाता है, बच्चे भूखे रहते हैं। जिस तरीके से प्रदेश में बाबा योगी जी की सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि मांस बंद होना चाहिए, इसी तरीके से प्रदेश और देश में पूरे तरीके से शराब को बंद करना चाहिए, भारत मुक्त शराब होना चाहिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।